हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। अब चलते हैं एनसीईआरटी के अभ्यास दो पर, जिस पर दी गई न्यूमेरिकल प्रॉब्लमों को हम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय ध्यान रखें, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें, क्या क्या दिया है इसको जानें, उनको नोट करने के बाद क्या ज्ञात करना है इसको समझें, फिर इसके बाद उपयुक्त फार्मूला को लगाते हुए, उपयुक्त विधियों को प्रयोग करते हुए सॉल्यूशन करें और आंसर सार्थक अंक इत्यादि की दृष्टि से सही लिखें। यदि आप पूरे स्टेप क्रम से करते हैं तो निश्चित ही तौर पर आपको न्यूमेरिकल आसान लगेंगे, ठीक है ना। आइए करते हैं इन स्टेपों के अंतर्गत। सबसे पहले एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन पहला है 2.1, इसमें बड़ी छोटी छोटी बातें कही गई, इसके अंतर्गत हमसे रिक्त स्थान के बारे में कहा गया। चलिए देखते हैं, पहला ए पार्ट का हल करते हैं। 2.1a क्या कहा गया, किसी एक सेंटीमीटर भुजा वाली, किसी एक सेंटीमीटर भुजा, क्या दीजिए, भुजा, भुजा कितनी दी, घन की भुजा है एक सेंटीमीटर क्यूब, एक सेंटीमीटर ओनली, भुजा क्यूब आयतन नहीं दिया, भुजा दी, एक सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर क्यूब में ज्ञात किए, क्या ज्ञात करना हमें दिया है, भुजा, क्या ज्ञात करना है, आयतन, किसका आयतन, घन का, तो हमें क्या पहले दिया क्या है, क्या ज्ञात करना है ये जाना, इसके बाद हम क्या करेंगे, उपयुक्त फार्मूला, घन के आयतन का सूत्र, घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब, आयतन वो भी किस चीज में ज्ञात करना है, मीटर क्यूब में, भुजा कौन सी राशि में दी, सेंटीमीटर में, तो हम इसे किस चीज में कन्वर्ट कर लें, मीटर में क्यूब में कन्वर्ट कर लें, सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, माइनस 2 मीटर होता है, एक सेंटीमीटर को बदला 10^-2 होगा, तो जरा इसे हम सॉल्व करें, भुजा रखेंगे 10^-2 का होल क्यूब, एक उत्तर आएगा मीटर क्यूब में, क्योंकि घात 3 चढ़ी है मीटर पर, तो कितना हो जाएगा इसका 10^-6 मीटर क्यूब, यही पहला आंसर होगा, रिक्त स्थान होगा, सबसे पहली बात किस चीज का, यहाँ पे आएगा 10^-6 मीटर क्यूब। चलते हैं अब दूसरे पार्ट की ओर, बी पार्ट क्या कहता है, हम इसको समझें, किसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, कितनी सेंटीमीटर त्रिज्या, 2, आर बराबर दिया 2 सेंटीमीटर, ध्यान रखेंगे हल करते समय इन बातों को, मात्रकों को ध्यान रखेंगे, उत्तर किस मात्रक में चाहिए उसी के अनुसार, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, कितनी ऊंचाई दी, h, कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पृष्ठ क्षेत्रफल, किसका पृष्ठ क्षेत्रफल, सिलेंडर का, सूत्र क्या होता, पृष्ठ क्षेत्रफल, किसी बेलन, जो बेलन है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका बक पृष्ठ प्लस सतहों के क्षेत्रफल, तो क्या होगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, बक पृष्ठ निकालेंगे हम, प्लस दोनों वृत्ताकार पृष्ठों का क्षेत्रफल, ठीक है, कन्फर्म है, बक पृष्ठ कैसे निकालते, 2πRL यानी h, ठीक है, प्लस पृष्ठ का ऊपर वाले पृष्ठ का त्रिज्या πr² πr² तो क्या होगा दोनों पृष्ठों का πr² + πr² दोनों पृष्ठों का क्या होगा πr, क्या फार्मूला बन गया पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला बन गया (2πRh + 2πr²) कुछ कॉमन ले लें हम इसमें से, क्या कॉमन ले सकते हैं, 2πr कॉमन ले लें, h प्लस r होगा, इसमें हमें h का मान और r का मान दिया है, या गौर करें उत्तर किस चीज में चाहिए, मिलीमीटर क्यूब, वो लास्ट में बदलेंगे, पहले हम सेंटीमीटर में ही निकाल लेते हैं क्षेत्रफल, चलो 2
पाई का मान 3.14, आर का मान कितना दिया, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, बाद में इकट्ठा लिख लेते हैं मात्रक, एच का मान 10 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर और ये उत्तर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, गुणा करते हैं, 4 5 4 12 5। ठीक है, इसका हम गुणा कर देते हैं, इसका गुणा जब हम करेंगे तो हमारे पास जो गुणा आ रहा है वो आएगा जिस सेंटीमीटर में, थोड़े एक और चीज़ बदल लें, उसका साइज मिलीमीटर में देना है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, वो उस पर क्या चढ़ेगा, इस पर। ठीक है, इसका गुणा करें हम, ये आएगा 150.75 आता है, जहाँ तक 12 5 60, ठीक, और ये आएगा 100 अपना, और उत्तर आपका में आ गया मिलीमीटर स्क्वायर में, एमएम स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, इसको सॉल्व करके सही रूप से लिख लें तो ये हो जाएगा, देखो 1.5075 लिख रहा है, 10^4 मिलीमीटर। चूँकि सार्थक अंक की दृष्टि से हमारे पास केवल 2 ही अंकों तक हो सकता है, तो हम इसको क्या कर दें, सॉल्व करें इसे, तो इसे पूर्णांकन राउंड ऑफ करें, 1.5 × 10^4 मिलीमीटर स्क्वायर, यही अपना दूसरा आंसर होगा, किसका, दूसरे भाग में भरा जाने वाला। तीसरे पार्ट सी पार्ट की ओर चलते हैं अब। सी पार्ट में क्या कहा गया हमसे, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, कोई गाड़ी कितनी चाल से चल रही है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 1 सेकंड में कितनी, पहली चीज चाल दी है हमें वी, वी बराबर 18 किलोमीटर प्रति हाव। समस्या सेकंड और मीटर में चाहिए, तो इसे मीटर में बदले, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो ऊपर 1000, 1 घंटा बराबर 60 मिनट और मिनट को सेकंड में 60 सेकंड। ठीक है, जनरली किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देते हैं, तो वही आ जाएगा 18 × 20 से 20 कट जाएंगे, 5 आएगा ऊपर और 6 × 18। ध्यान रखेंगे 1 किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं, तो वी बराबर आ गया 5 मीटर पर सेकंड। चाल आ गई, क्या चाहिए, दूरी, कितने समय में, 1 सेकंड में, टी बराबर कितने सेकंड, 1 सेकंड, एस बराबर हमें क्या करना है, क्या सूत्र क्या लगाएंगे, सूत्र होगा दूरी बराबर चाल गुणे समय, कितना चाल है, 5 मीटर पर सेकंड, कितने समय में, 1 सेकंड में, तो जी कितनी दूरी, इतने मीटर, यानी जो आएगी 5 मीटर होगा उत्तर, यही तीसरे पार्ट का आंसर होगा। ठीक है, यही कौन से भाग का, तीसरे भाग का आंसर होगा। अब बचता है हमारे पास चौथा पार्ट, शीशे का अपेक्षित घनत्व, पहले हम अपेक्षित घनत्व जान लें क्या होता है, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व उसके जल के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। ध्यान रखेंगे, किसी भी द्रव, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व की तुलना जब जल के घनत्व से कर दी जाए तो इस घनत्व को हम क्या कहते हैं, अपेक्षित। तो अपेक्षित घनत्व का सूत्र जान ले पहले, अपेक्षित घनत्व कोई भी पदार्थ हो, पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व। क्या कहा हमने, जब किसी घनत्व की तुलना जल के घनत्व से कर दी जाए तो इस घनत्व को हम कौन सा घनत्व कहते हैं, अपेक्षित घनत्व कहते हैं। तो हमें पदार्थ का कभी भी घनत्व निकालना हो, इसका इसमें गुणा करें, कौन सा घनत्व आएगा, अपेक्षित घनत्व गुणे किसका घनत्व, जल का घनत्व। ठीक है, अपेक्षित घनत्व रख दें, जल का घनत्व रख दें, सॉल्व कर लो, किसका चाहिए,
शीशे का, तो हमें किसका पदार्थ की जंग क्या है, शीशे का घनत्व चाहिए। आपेक्षिक घनत्व कितना है, 11.3, तो यहां लिखा जाएगा 11.3, ठीक है। अब जल का घनत्व, जल का घनत्व होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब माइनस 3, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 ग्राम सेंटीमीटर की पावर माइनस 3, कितना आ गया जी, 11.3 ग्राम सेंटीमीटर पावर माइनस 3। एक पार्ट होगा ये इसका आंसर का, यहां भरने वाला भाग। अभी हमें इसे क्या में किस चीज में बदलना है, किलोग्राम प्रति मीटर, चलो बदलते हैं। 11.3 किलोग्राम, 1 ग्राम 10 की घात माइनस 3 किलोग्राम, ठीक है, 1 ग्राम बराबर 10 की घात माइनस 3, 1000 का भाग करना पड़ता है। सेंटीमीटर, 10 की घात माइनस 2 मीटर का होल पावर माइनस 3, कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करें जरा, गौर करें, जो होगा -3 जो -6 हो जाएंगे, 3 आ जाएगा, गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम मीटर पावर माइनस 3, ठीक है। सार्थक अंक की दृष्टि से भी लिख दें, इसे लिख सकते 1.13 × 10⁴ किलोग्राम मीटर पावर माइनस 3, तो यही आंसर अपना चौथे पार्ट का होगा, ठीक है, कंफर्म। चारों पार्ट आपके सामने क्लियर, बहुत आराम से कर सकते हैं। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2.2। रिक्त स्थानों को मात्रा के उचित परावर्तन द्वारा भरिए, हमें उचित परिवर्तन से इन्हें भरना है। पहले पार्ट को हम जानते हैं, सबसे पहले ए, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर माइनस 2, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड पावर माइनस 2, यानी किलोग्राम में को किस में बदलना है, ग्राम में। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो यह हो गया 1000 ग्राम, ठीक है। मीटर को बदलते हैं, मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो इसको हम 100 सेंटीमीटर पावर 2 आएगा, सेकंड की जगह सेकंड ही आएगा। इसको सॉल्व करें, 10 की घात 3 ग्राम हो गया, इसको 10 की घात 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया सेकंड पर, इसको सॉल्व करने 4 × 3 = 7, 10 की घात 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड पर, यही फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम बी पार्ट की ओर। बी पार्ट में कहा 1 मीटर बराबर कितने LY, मींस प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। पहले प्रकाश वर्ष को समझ लें, प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक साल में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष की जो मान होता है, एक प्रकाश वर्ष जिसको हम लाइट ईयर कहेंगे, वो होता है 9.46 × 10⁵ मीटर, यानी प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में इतने मीटर की दूरी तय कर लेता है। हमें 1 मीटर बराबर चाहिए, तो 1 मीटर बराबर ये चीज के नीचे आएगी, 1/9.46 × 10⁰ प्रकाश वर्ष एल वाई। सॉल्व करते से हम इसको ऊपर ले जाएं, क्या हो जाएगा, 10⁻⁶ × 10⁻¹ LY लाइट ईयर। हम इसे एक जीरो बढ़ा देते हैं, तो यहाँ एक घट जाएगी, क्या हो जाएगा, 10⁻⁶ × 10⁻¹ LY, ठीक है। इसको हम इससे डिवाइड कर दें, 1.06 × 10⁻¹⁶ LY, यही आंसर नंबर क्या होगा अपना, सेकंड होगा, दूसरे भाग में भरा जाने वाला भाग होगा, ठीक है। चलते हैं अब हम सी पार्ट की ओर। सी पार्ट में क्या कह रहे हैं हम, 3 मीटर सेकंड पावर माइनस 2 बराबर कितने किलोमीटर प्रति है, चलिए इसको देखते हैं। 3 मीटर 3.0 मीटर सेकंड पावर माइनस 2, करें से सॉल्व, मीटर को किलोमीटर में बदलना है, एक
एक किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो मीटर को बदलेंगे तो 3.0 तो अपनी जगह, 1000 का डिवाइड कर देंगे किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। कन्फर्म क्यों? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। तो वही तो किया हमने, भाग दे दिया, मीटर कन्वर्ट हो गया किलो। अब आगे चलते हैं, सेकंड, घंटे को बदलते हैं, 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 60 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 60 का गुणा और हो जाएगा, तो सेकंड में कन्वर्ट करना, घंटे में कन्वर्ट करना है तो सेकंड को चाहिए हमें, किसको चाहिए? सेकंड। तो 1 सेकंड बराबर क्या हो गया, 1/60 × 60, ठीक, कन्वर्ट, इसको यहाँ रखते हैं, मान सेकंड है, सेकंड को रखेंगे 1/60 × 60 × −2 आएगा, कन्फर्म। अरे 1 घंटा बराबर 60 मिनट होते हैं, सेकंड होगा, सेकंड को बदलना है, ये चीज के नीचे आ जाएगी, ठीक, नोट करते चलेंगे ध्यान से। चलो इसे सॉल्व करते हैं, ये होगा 3.0, तो ठीक है 1000, ठीक है किलोमीटर, आगे चलो −2 है तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर। बल्ब होगा कितना हो जाएगा? 60 × 60 × 60 × 60, हवा की पावर −2। क्या आएगा इसको हम अगर सॉल्व कर दें, पूरा सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करने पे आता है 3.9 × 10^4। ध्यान रखेंगे 3.9 × 10^4 कितना आएगा? 4 आएगा। इसे हल करेंगे आप, इन सबको गुणा करके 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, बाकी गुणा भाग कर लें तो ये आएगा इतने किलोमीटर हवर प्रॉपर −2। यही आंसर तीसरे पार्ट का होगा जो हमें, अब डी पार्ट को और समझ लेते हैं हम, इसके क्वेश्चन है समाप्त हो जाएगा इसी के साथ। जी बराबर दिया 6.67 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर −2। गौर करो हमें इसमें न्यूटन डायन तो चाहिए नहीं, तो पहले तो हमें न्यूटन को बदलना होगा मीटर। बल्ब एफ बराबर क्या जानते हैं हम? एम ई, पढ़ा है ना हाई स्कूल में, एफ बराबर एम ई। बल का मात्रक न्यूटन हो गया, एम ए मीन्स किलोग्राम, त्वरण का मात्रक m/s², तो यानी हम न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले इसी को कन्वर्ट करते हैं, 6.67 × 10^-11 न्यूटन को बदला किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर −2। इनको सही से सॉल्व करके लिखें, जरा देखें क्या हो जाएगा, 6.67 × 10^-11 पहले हम मीटर 3 घात हैं, मीटर की घात 3, सेकंड ऊपर जाएगा, सेकंड की पावर −2, किलोग्राम की पावर −1, ठीक है ना, कन्फर्म है इन बातों को। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे जिन चीज़ों में हमें चाहिए, देखो मीटर को बदलना है सेंटीमीटर में, तो बदलें 6.67 × 10^-11 मीटर को किलोमीटर में बदलोगे क्या होगा, 100 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे 100 cm³। सेकंड को तो कन्वर्ट नहीं करना है। अब आओ किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, 1 किलोग्राम = 1000 ग्राम, पावर हो गई −1। क्या हो गया जी, 6.67 × 10^-11 10^2 और 6 का मल्टीप्लाई का है 10^6, 10^2 3 × 2 = 6 cm³। सेकेंड पावर −2, इसे इन्वर्स कर दो, 1000 नीचे आ जाएगा और ग्राम पावर −1, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और इनमें घात देख रहा हूँ 6 में से, मीन्स 3 जे चली जाएंगी, 3 और चली जाएंगी, कितनी बचेंगी, 11 में 3 गई, 8 बचेंगी, तो जे आएंगी तुम्हारे 6.67 × 10^-8 cm³
सेकेंड पावर माइनस टू ग्राम पावर माइनस वन, यही आंसर चौथे पार्ट का होगा आपका। ठीक है, ये क्रम से हम जो बता रहे हैं, पहले पार्ट का उत्तर ए है अपने पास, दूसरे पार्ट का उत्तर ए लिखा हुआ है, और तीसरे पार्ट का उत्तर आपके सामने यहाँ पर है, और चौथा पार्ट हमारे पास ए होगा। ठीक है ना, क्रम से स्पष्ट है, चारों पार्ट बड़े आराम से कर लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2.3 क्या कह रहा है, ऊष्मा, ऊष्मा मीन्स पारगम में ऊर्जा, पारगम माने आने जाने में ऊष्मा, ऊर्जा जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है, का मात्रक क्या है, कैलोरी है। ठीक है, और यह लगभग 4.2 जूल के बराबर है, मतलब कहने का एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल, और जूल को कन्वर्ट कर ले 4.2, जो लिखा एक जूल बराबर इतना, तो 4.2 किलो मीटर स्क्वायर सेकंड पावर माइनस टू। एक पद्धति में जिसे द्रव्यमान का मात्रक, यदि हम द्रव्यमान का मात्रक क्या कर दें, अल्फा किलोग्राम, लंबाई का मात्रक बीटा मीटर, और समय का मात्रक गामा सेकंड हो, तो नए मात्रकों में एक कैलोरी का मान इतना होगा। हमें क्या करना है, 4.2 किलो मीटर स्क्वायर सेकंड पावर माइनस टू को कन्वर्ट करना है N2 बीटा, नई पद्धति का मात्रक, यही तो है, नई पद्धति में क्या आएगा इसे हमें समझना है, नई पद्धति में किलोग्राम की जगह क्या आएगा जी, हमें निकालना है N2 का मान निकालना है, सीधी सी बात, नई पद्धति में आ जाएगा मात्रक, वो हमें क्या करना है ज्ञात। चलो देखें N1 बराबर कितना दिया 4.2, N2 बराबर हमें क्या करना है ज्ञात, U1 बराबर एक पद्धति में द्रव्यमान की विमा M1, L1 पावर 2 माइनस नहीं है, और T1 पावर माइनस 2। ठीक है, जहां U2 बराबर क्या होगा, दूसरी पद्धति में U2 क्या होगा, M2 L2 पावर 2 T2 पावर माइनस 2, जहां M1 किलोग्राम में, ठीक है, L1 मीटर में, T1 सेकंड में, कन्फर्म, और इसमें M2 अल्फा किलोग्राम में, L2 ये लिखा लंबाई द्रव्यमान लंबाई बीटा मीटर में, और T2 गामा सेकंड में। ठीक है, सॉल्व करते हैं, हमने पढ़ा N1 U1 बराबर N2 U2, विमीय समानताओं का नियम, किसी भी समीकरण में एक ओर के पदों की विमाएं दूसरे ओर के पदों की विमाएं बराबर होती हैं। चल N1 मीन्स 4.2 जो लिखा है, U1 मीन्स M1 L1 स्क्वायर T1 पावर माइनस 2, N2 इसका मान M2 L2 स्क्वायर T2 पावर माइनस 2, यह चीज़ इसके नीचे आ जाएगी, N2 फाइंड आउट करना है, यही तो ज्ञात करना है मान, तो N2 बराबर क्या आ जाएगा, 4.2 M1 अपॉन M2, ठीक नीचे आएगा उसके, ऐसे ही L1 अपॉन L2 पावर 2, T1 अपॉन T2 पावर माइनस 2। ठीक है ना, कन्फर्म, सबके मान रखते हैं, N2 बराबर 4.2, ठीक, M1 इज kg किलोग्राम, M2 अल्फा kg, L1 मीटर, L2 वीटा मीटर पावर 2, T1 सेकंड, T2 गामा सेकंड पावर माइनस, क्या आएगा N2 बराबर 4.2, नीचे बचेगा 1 अपॉन अल्फा, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन वीटा पावर 2, और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन गामा पावर माइनस 2। ठीक है ना, ऊपर ले जाएं, N2 बराबर क्या जाएगा 4.2 अल्फा पावर माइनस 1 बीटा पावर माइनस 2 गामा पावर 2, यानी दूसरी पद्धति में मान होगा, यही इसका क्या होगा उत्तर,
दूसरी पद्धति में उसने कहा था परिमाण बताइए कैलोरी का, अर्थात हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक कैलोरी जो है इस पद्धति का बराबर 4.2 अल्फा पावर माइनस 1 बीटा पावर माइनस 2 गामा पावर 2 के इक्वल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2.4, इस क्वेश्चन को जरा पढ़े, थ्योरिकल क्वेश्चन है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इस कथन को स्पष्ट कीजिए तुलना के मानक का विशेष उल्लेख किए बिना, तुलना के मानक का विशेष उल्लेख किए बिना किसी विमीय राशि को बड़ा या छोटा कहना अर्थहीन है। मतलब हमें फिजिक्स में बताना होगा यह चीज छोटी है या बड़ी है, तो हम किसी चीज से तुलना करेंगे, कोई दूसरी चीज से किसी दूसरी चीज का क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जैसे हमने पीछे जाना था कि विद्युत बल या नाभिकीय बल सबसे प्रबल है किनकी तुलना में, इस बल की तुलना में, तो हम उससे तुलना की। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है किसी चीज को छोटा और बड़ा समझाना चाहते हैं तो हमें तुलना अवश्य करनी होगी, तुलना के बिना यह क्या है अर्थहीन है, इसके बारे में नहीं। कैसे जानेंगे यह चीज बड़ी है या यह चीज छोटी है, ठीक है ना। इसे ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए कथनों को जहां कहीं आवश्यक हो दूसरे शब्दों में लिखिए। जहां कहीं माने जहां तुलना नहीं हुई हो वहां मैंने क्या करना है, तुलना करना। चलिए पहले पार्ट को करते हैं, इसको हल करते हैं। इसको पहला पार्ट, सबसे पहले ए पार्ट, परमाणु बहुत छोटा पिंड है। हम भी जानते हैं परमाणु छोटा है, हमें कहना चाहिए परमाणु अणु की तुलना में छोटा है। अणु से मतलब क्या है, शक्कर का दाना हुआ, ठीक है, या कोई और छोटे सूक्ष्म कण हुए, राई का दाना हुआ, तो हम इन कणों से क्या कह सकते हैं छोटा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं परमाणु बहुत छोटे पिंड है, अर्थात परमाणु अणु की तुलना में बहुत छोटे पिंड है। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इसका आंसर, परमाणु शक्कर के छोटे से टुकड़े की तुलना में क्या है, चीनी के छोटे से टुकड़े की तुलना में क्या है, सूक्ष्म है। परमाणु अणु की तुलना में, अणु या क्या दें, चीनी का टुकड़ा की तुलना में बहुत सूक्ष्म पिंड है, ठीक है ना। तुलना की, पहले पार्ट की तुलना की, बिल्कुल सीधी सीधी बात, किसी चीज से तुलना करनी है, साफ साफ लिखा है किसी भी विमीय राशि को बड़ा या छोटा कहना अर्थहीन है बिना तुलना के। हमें ये मानक है तुलना करनी ही होगी, जैसे चींटी की तुलना में हाथी बड़ा है, हमने तुलना की एक चीज की तुलना दूसरी चीज से की तो उससे हमें पता चलता है कि क्या। इसी प्रकार परमाणु अणु या चीनी का टुकड़ा या अन्न परमाणुओं की तुलना में क्या है, सूक्ष्म पिंड है। पहली बात हो गई। बी पार्ट पर आते हैं, जेट वायुयान अत्यधिक गति से चलता। अब कितना गति से चलता है, किसी चीज से तुलना करनी पड़ेगी। अगर हम मोटरसाइकिल से कहें तो मोटरसाइकिल से तेज कार चलती है, कार से तेज दूसरी चीजें चलती हैं, तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं सबसे तेज। अगर हम रेलगाड़ी की बात कर लें तो हम विश्व में जानते हैं बुलेट ट्रेन सबसे तेज चलती है, तो हम ऐसे कह सकते हैं जेट वायुयान उससे भी तेज चलता है। तो तुलना लिखेंगे हम, क्या कहेंगे, जेट वायुयान बुलेट रेलगाड़ी या ट्रेन की तुलना में अत्यधिक गति से चलता है। बुलेट की ट्रेन देखी, चाल देखी है हमने, या रेलगाड़ी की चाल देखी है, तो उससे भी क्या चल रहा है, तेज चल रहा है। सी पार्ट पे आती है, बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत अधिक है। तुलना करे बिना कैसे बता दें हम कितना अधिक है, तो बृहस्पति का द्रव्यमान और दूसरे पिंड जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान हम जानते हैं 6×10^24 किलोग्राम, तो उससे भी ज्यादा है। तो हम कहेंगे बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 6×10^24 पृथ्वी का द्रव्यमान हम जानते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान 6×10^24 किलोग्राम, यानी इससे भी ज्यादा है बृहस्पति का द्रव्यमान। अब हमने तुलना की तो स्पष्ट हो गया कि इसका, और दूसरे शब्दों में हम लिखते जा रहे हैं, अब इस कमरे के अंदर वायु में अणुओं की संख्या डी
इस कमरे के अंदर वायु में अणुओं की संख्या अत्यधिक है। हम अवोगाद्रो संख्या जानते हैं, जिसमें परमाणु अणुओं की संख्या क्या होती, 6.23 × 10^24, 1 मोल में, कितने मोल में, 1 मोल में अणुओं की, उससे भी ज्यादा है। तो हम इसे ऐसे कहेंगे, कमरे में वायु के अणुओं की संख्या एक मोल बराबर क्या होता है, अर्थात 6.023 × 10^23, 6.023 × 10^23, इसे हम अवोगाद्रो संख्या से अधिक है, 1 मोल अणु से अधिक है। कन्फर्म है, तुलना कर दी किसी चीज से, कंफर्म हो गया। अब इसमें जो अणु है वो इससे ज्यादा है, यह बहुत बड़ी संख्या, उससे भी बड़ी संख्या है। ठीक है, तीसरी अगली बार, थोड़ा सा एनसीईआरटी में मिस्टेक है यहाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत हल्का शब्द है, यहाँ पे कौन सा शब्द है, हल्का गलत लिखा है, यह शब्द हल्का होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत हल्का होता है, इसमें कोई अपन को परिवर्तन करने की तुलना नहीं, क्योंकि यह स्वयं तुलना कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से अत्यधिक हल्का है, या ऐसे कहते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बहुत भारी है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बहुत भारी है। इस शब्द, इस लाइन में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह पहले से ही तुलना के रूप में लिखा है, हमसे कहा गया कथनों को तुलना करनी है, तुलना के आधार पर होता है। अगली, ई एफ ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती, सही बात है, ध्वनि की गति, इसमें भी कोई परिवर्तन, ध्वनि की गति कितनी होती है, वायु में ध्वनि की गति होती है 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्रकाश की गति, प्रकाश की गति होती है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड से बहुत कम है, बहुत ही कम है। कंफर्म, सही बात है, यानी इन दो पॉइंटों में कोई परिवर्तन नहीं करना, क्योंकि यह पहले से ही तुलना करके दिए गए, लेकिन इन ऊपर के 4 पॉइंटों में हमने तुलना की, परमाणु चीनी के टुकड़े में बहुत सूक्ष्म है, जेट वायुयान की गति बुलेट की तुलना में बहुत ज्यादा है, बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से बहुत अधिक है, कमरे में वायु के अणुओं की संख्या 1 मोल में अणुओं की संख्या से बहुत ज्यादा है, जो तुलनात्मक रूप से पहले से ही दिए। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2.5, पहले इसे जाने, लंबाई का कोई एक ऐसा मात्रक चुना गया जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल एक है। क्या दिया, निर्वात में प्रकाश की चाल एक, यानी प्रकाश की चाल दी गई हमें नया मात्रक है, कोई मात्रक नहीं दिया गया, क्या है, नए मात्रक में एक ऐसा मात्रक चुना गया जिसमें प्रकाश की चाल कितनी है, एक, लंबाई के नए मात्रक के पदों में, किसके, लंबाई के नए मात्रक के पदों में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, हमें सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी क्या करनी है, ज्ञात करनी है, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी क्या करनी है, ज्ञात, प्रकाश इस दूरी को तय करने में सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी को तय करने में लगा समय कितना है, 8 मिनट + 20 सेकेंड। क्या कहें हम, सबको एक ही पद्धति में होना चाहिए, किसी भी पद्धति में समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, तो इसे सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 8 × 60 सेकेंड, ठीक है, 480 + 20 सेकेंड, कितना समय आ गया, समय,
हमें क्या निकालनी, दूरी। चाल हमें क्या की गई, दी गई, तो क्या कहेंगे, दूरी बराबर सूत्र क्या होता, चाल गुणे समय। किनके बीच की दूरी चाहिए हमें, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, तो इनके बीच की क्या चाहिए, चाल, इनके बीच लगा समय, तो क्या कहेंगे, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी चाल, चाल का मान कितना है एक, गुणे मात्रक, नया मात्रक गुणे सेकेंड, और ये कितना हो गया 500, ये कितनी आनी चाहिए 500 नया मात्रक, किसका, दूरी का, यहाँ नया मात्रक प्रति सेकंड था एक तरह से कहा जाए तो, सेकंड से सेकंड क्या हो गया होगा, कट गया होगा लंबाई, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 500 नया मात्रक के क्या है, बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2.6 क्या कहता है, इसे जाने, लंबाई मापने के लिए निम्न में से कौन सा परिशुद्ध तंत्र है, परिशुद्ध, परिशुद्धता जाननी है सबसे पहले, परिशुद्धता अल्पत मान के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या कहा इसमें, सबसे पहले किसी भी यंत्र की, किसी भी तंत्र की परिशुद्धता नापनी होगी तो परिशुद्धता व्युत्क्रमानुपाती किसके होती है, अल्पत मान, अल्पत मान माने लीस्ट काउंट। अगर हम किसी चीज की परिशुद्धता जानना चाहते हैं, मींस एक्यूरेसी जानना चाहते हैं, तो जो एक्यूरेसी होती है वो डायरेक्ट रिवर्सिबल टू लीस्ट काउंट होती है, अल्पत मान के क्या होती है, व्युत्क्रमान। हम तीन यंत्र तंत्र दिए हमारे पास, एक वर्नियर, एक स्क्रू गेज और एक कोई प्रकाशिक यंत्र, तीनों का क्या निकालेंगे, अल्पतमान, अल्पतमान जिसका कम होगा उसकी परिशुद्धता क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिस यंत्र में अल्पतमान जितना छोटा होता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध मापा जा सकता है। एक छोटे से उदाहरण की बात करें, अगर हम घड़ी है हमारे पास, घड़ी एक घंटा कम से कम नाप सकती है तो उसका तो अल्पतमान एक हुआ, एक घड़ी एक मिनट अधिकतम नाप सकती तो उसका तो अल्पतमान एक मिनट हुआ, तीसरी घड़ी एक सेकंड कम से कम माप सकती तो उसका अल्पतमान एक सेकंड। इनमें सबसे ज्यादा शुद्ध कौन नापेगा, सेकंड वाली, उससे हम सेकंड तक शुद्ध बता सकते हैं, मिनट वाली से केवल हम मिनट तक शुद्ध बता सकते हैं, घंटे वाली से हम केवल घंटे तक शुद्ध बता सकते हैं। तो हम यह जान गए कि किसी भी यंत्र की जो परिशुद्धता होती है वो उसकी अल्पतमान की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। कभी भी ऐसा करना हो तो हम क्या निकालेंगे, अल्पतमान। पहले हम अल्पतमान निकालेंगे किसकी, वर्नियर कैलिपर्स की। चलिए अल्पतमान कैसे निकलेगी, पहले किसकी अल्पतमान, वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमान, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कैसे निकालेंगे, अल्पतमान निकालें मुख्य पैमाने पर एक खाने का मान, बटे वर्नियर पर खानों की संख्या, चलिए निकालते हैं। मुख्य पैमाने पर एक खाना कितने मिलीमीटर का होता है, एक मिलीमीटर का होता है, यानी मुख्य पैमाने पर वर्नियर कैलिपर्स पर जो मुख्य पैमाना होता है जो खिसकता नहीं है उस पर कम से कम कितने मिलीमीटर होता है, एक मिलीमीटर। तो मुख्य पैमाने के एक खाने का मान एक मिलीमीटर। वर्नियर पर देखो दिए हैं, वर्नियर पर कितने विभाजक हैं, 20, तो इसमें वर्नियर पर खानों की संख्या 20। ऐसा करते हैं मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, सेंटीमीटर बटे 20, इसको डिवाइडेशन कर देते हैं और 20.6 एक अल्पतमान का गई किसकी, वर्नियर कैलिपर्स की। अब किसकी निकालेंगे हम, स्क्रू गेज की। चलो अब बी पार्ट में स्क्रू गेज की
अल्पत मांग। कैसे निकालेंगे अल्पत मांग किस गेज की? सिंपल सी बात, वही मुख पैमाने पर एक खाने का मान, और स्टू गेज पर मुख पैमाने पर एक खाने के मान को हम चूड़ी अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं? चूड़ी अंतराल, चूड़ी अंतराल एक मिलीमीटर होता है जो कि बटे वृत्तीय पैमाने पर, या बर्नियर की जगह उसे क्या कहते हैं, वृत्तीय पैमाने पर कुल खानों की संख्या, ठीक है ना। चलो इसकी अल्पत मांग क्या आएगी, चूड़ी अंतराल कितना है, एक मिलीमीटर है चूड़ी अंतराल, तो एक मिलीमीटर, और इस पे खाने कितने हैं वृत्तीय पे, 100 विभाजक हैं, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, भाग देते हैं। एक दो निकल आएंगे अल्पत मांग, अगर हम इनकी तुलना करें इनमें किसकी अल्पत मांग कम है, स्क्रू गेज की, तो स्क्रू गेज ज्यादा शुद्ध नाप रहा होगा वर्नियर कैलिपर से। अभी तीसरा पार्ट बचा उसके लिए और निकालते हैं, कौन सा यंत्र है, प्रकाशिकी यंत्र, लीस्ट काउंट ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्र का अल्पतमांक तरंगदैर्ध्य की सीमा के अंतर्गत, यानी प्रकाशिक यंत्र जो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य क्या होती, अल्पतमांक बराबर प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, इसी के अंतर्गत नाप सकता हूं। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कितनी होती, 10^-7 मीटर, ध्यान दिया हो 4000 एंगस्ट्रॉम, यानी 10^7 के अंतर्गत आती है, और 10^7 को अगर हम सॉल्व कर दें, 10^7 को हम सेंटीमीटर में लाएं, तो 10^-7 उन्हें 10^-2 सेंटीमीटर, 10^-5 सेंटीमीटर, ये आएगा 0.1234/1 सेंटीमीटर। सबसे कम अल्पतमांक किसकी है, प्रकाशिक यंत्र की, तो सबसे ज्यादा परिशुद्ध कौन होगा, प्रकाशिक यंत्र, चूंकि परिशुद्धता डायरेक्ट इन्वर्सिबल टू लीस्ट काउंट माने अल्पतमांक। सबसे कम अल्पतमांक किसकी है, प्रकाशिक यंत्र की, प्रकाशिक यंत्र की अल्पतमांक सबसे छोटी है, अतः प्रकाशिक यंत्र की माप सबसे परिशुद्ध होगी। बात कन्फर्म है, यही आंसर होगा, ठीक है, सिंपल सी बात, जिसकी अल्पतमांक सबसे कम होगी उसी की परिशुद्धता क्या होगी, ज्यादा होगी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2.7, कोई छात्र 100 आवर्धन वाले, आवर्धन मींस कितना बड़ा दिखाई, 100 गुना बड़ा दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की तुलना, आवर्धन क्षमता, आवर्धन 100, इसको हल करते हैं। पहले हमें क्या दी, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन कितना दिया, 100, देखकर मनुष्य के बाल की मोटाई मापता है, यानी 100 आवर्धन वाले से अगर हम 1 mm होगा तो वो हमें 100 mm के बराबर क्या होगा, बाल दिखाई देगा। वह 20 बार प्रेक्षण करता है, ज्ञात होता है कि सूक्ष्मदर्शी के दृष्ट क्षेत्र में बाल की औसत मोटाई, सूक्ष्मदर्शी द्वारा मापे गए बाल की औसत मोटाई कितनी है, 3.5 mm, बाल की मोटाई, यानी बाल की मोटाई माने वास्तविक
बाल की वास्तविक मोटाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी। सूत्र जे के आवर्धन क्षमता बराबर या आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वास्तविक लंबाई, प्रतिबिंब की माप बटे वास्तविक माप। आवर्धन कितना है 100, प्रतिबिंब की कितनी है 3.5 mm, वास्तविक लंबाई माने बाल की वास्तविक मोटाई क्या ज्ञात करनी है हमें, बाल की वास्तविक मोटाई। सीधा सीधा 100 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है तो बाल की वास्तविक मोटाई क्या आएगी, बाल की वास्तविक मोटाई कितनी हो जाएगी 3.5 mm बटे 100, 0.035 mm, यही क्या होगा आंसर होगा। उसने कहा वास्तविक मोटाई क्या कीजिए क्या, और वैसे भी 100 गुना बड़ा बना रहा है ये प्रतिबिंब, तो ये प्रतिबिंब 100 गुना बड़ा है, 100 का भाग कर दो। क्वेश्चन नंबर 2.8 निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। पहले पार्ट में क्या कहा आपको, एक धागा और मीटर पैमाना दिया जाता है, क्या क्या चीज दी, धागा और मीटर पैमाना यानी एक स्केल दिया और एक क्या दिया, धागा दिया। आप धागे के ब्यास का अनुमान किस प्रकार लगाएं, धागे का ब्यास मीटर स्केल से नहीं नापा जा सकता, क्यों नहीं नापा जा सकता, क्योंकि धागा बहुत कम होता है mm से और हमारे मीटर स्केल की लंबाई मिलीमीटर में है, अल्पतमांक मिलीमीटर है, उससे कम है। तो हम क्या करें धागे को एक छड़ लें, उसके ऊपर लपेटना प्रारंभ कर दें, लपेटते जाएं धागे को और पूरे धागे को लपेटने के बाद इसके जो रिंग बने उन्हें बिल्कुल क्या कर दें, सटा दें। जैसे ही हम सटा दें इन रिंगों को तो हम गिन सकते हैं कि एक बार लपेटा, दो, तीन चक्कर, चार चक्कर, पांच चक्कर, छह चक्कर, सात चक्कर, आठ चक्कर, नौ चक्कर, इस तरह से जितने भी चक्कर हो धागे को पूर्ण रूप से हम क्या कर दें, लपेट दें। और इस स्थान से मान लो लपेटना प्रारंभ किया, यहाँ तक मैं लपेट गया, इस लंबाई को हम स्केल से क्या कर लें, नाप लें। तो धागे का ब्यास कैसे निकलेगा, ये पार्ट कैसे मापेंगे धागे का ब्यास। अगर हम इस लपेटे गए धागे की कुल लंबाई मीटर स्केल से नाप लेंगे, मान लीजिए यहाँ से लपेटा, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर में आया या 9.7 में लपेटा, तो यानी लपेटे गए धागे की कुल लंबाई, जो जितने छड़ पर लपेटे गए धागे की लंबाई, तो छड़ पर लपेटे गए धागे की कुल मोटाई मीन्स जो धागा हमने यहां से यहां तक लपेटा, हम इसके लग के यहां से यहां तक को क्या कर लेंगे, माप लेंगे, बटे लपेटों की फेरों की संख्या, लपेटे गए फेरों की संख्या। हमने मान लो यहाँ से यहाँ तक जो धागा लपेटा उसकी लंबाई आई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 जो भी आई, तो लपेटे के धागे की लंबाई कितनी कही n, इसमें हम भाग कर दें इसको, हमने चक्कर आए 25, तो एक धागे की मोटाई हमें पता चल जाएगी, वही धागे का क्या होगा, ब्यास होगा। बात क्लियर है ना, ठीक है। दूसरे भाग में आए, एक स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल इतना है, क्या अंतराल दिया, चूड़ी अंतराल कितना दिया 1.0 mm, और इसके वृत्तीय पैमाने पर 100 विभाजन है, वृत्तीय पैमाने पर 200, ठीक है ना।
क्या आप यह सोचते हैं कि वृत्तीय पैमाने पर विभाजनों की संख्या स्वेच्छा से बढ़ा देने पर स्क्रू गेज की यथार्थता? पहले हम यथार्थता के बारे में जान लें। यथार्थता माने शुद्धता जो होती है वो किसके व्युत्क्रमान पाती होती है? अल्पतमांक के। परिशुद्धता हमने अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल में भी किया था कि परिशुद्धता अल्पतमांक के क्या होती है? व्युत्क्रम। और अल्पतमांक बराबर क्या होता है? चूड़ी अंतराल बटे वृत्तीय पैमाने पर खानों की संख्या। पहले 200 थी, अगर मैंने बढ़ा दें स्वेच्छा से बढ़ा दें तो अल्पतमांक क्या हो जाएगा? कम। अल्पतमांक कम होने से यथार्थता क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। यानी यथार्थता में वृद्धि करना संभव है। कहा वृत्तीय पैमाने पर, बिल्कुल सही बात है, वृत्तीय पैमानों पर खानों की संख्या बढ़ा देने पर अल्पतमांक कम हो जाएगा। अल्पतमांक के कम होने पर यथार्थता का मान बढ़ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? अल्पतमांक अगर वृत्तीय पैमाने पर खानों की संख्या बढ़ा दें तो अल्पतमांक का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अल्पतमांक का मान कम होने से यथार्थता का मान बढ़ जाए। तो हम क्या कहा, बिल्कुल सही बात, अगर हम विभाजनों की संख्या बढ़ा दें तो अल्पतमांक कम होगा, अल्पतमांक कम होने से यथार्थता बढ़ जाएगी। तो क्या आंसर लिखेंगे? वृत्तीय पैमानों पर विभाजनों की संख्या बढ़ा देने पर स्क्रू गेज की यथार्थता बढ़ाई जा सकती है। लिख लेंगे ना उसे। ठीक है, सी पार्ट पे आते हैं। वर्नियर कैलिपर्स द्वारा पीतल की किसी एक पतली छड़ का माध्य व्यास मापा जाना है। यह 5 बार मापन के समुच्च की तुलना में व्यास को 100 बार मापने में समुच्च के द्वारा अधिक विश्वसनीय था। पहले तो हम देखेंगे निरपेक्ष त्रुटि निकालें। पहली बार त्रुटि प्लस दूसरी बार त्रुटि प्लस तीसरी बार त्रुटि, जितनी बार लेंगे n बार नापा तो डेल्टा ए एन अपॉन एन। क्या चीज देख रहे हैं? कम बार नापेंगे त्रुटि क्या आएगी? ज्यादा आएगी। ज्यादा बार नापेंगे निरपेक्ष त्रुटि का मान क्या हो जाएगा? कम। तो हम 5 बार की तुलना में 100 बार मापेंगे तो निरपेक्ष त्रुटि का मान कम होगा और विश्वसनीयता का मान अधिक हो जाएगा। क्यों? विश्वसनीयता जो होती है व्युत्क्रमानुपाती निरपेक्ष यहां पर देख रहे हैं। हम ज्यादा बार मापेंगे तो निरपेक्ष त्रुटि का मान क्या हो जाएगा? कम। तो ज्यादा बार मापन करने पर निरपेक्ष त्रुटि कम होगी और विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। यही चीज उसने कहा है कि हम 5 बार की जगह 100 बार मापे, क्या विश्वसनीयता बढ़ जाएगी? तो आंसर है हाँ, 5 बार की जगह 100 बार नापने पर निरपेक्ष त्रुटि का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और विश्वसनीयता बढ़े। आइए क्वेश्चन नंबर 2.9 क्या कहता है इसे जाने पहले। किसी मकान का फोटोग्राफ 35 मिलीमीटर स्लाइड पर इतना आता है। हमने एक मकान को स्लाइड पर बनाया, सबसे पहले किस पर बनाया? स्लाइड पर। स्लाइड पर क्षेत्रफल क्या आया उसे लिखें पहले। स्लाइड पर क्षेत्रफल कितना है? स्लाइड पर क्षेत्रफल 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर स्लाइड को स्क्रीन पर प्रेक्षित किया। पहले हमने एक स्लाइड पर बना लिया और स्लाइड को एक प्रोजेक्टर के सामने रखा, उसे हमने कार्पेट बनाया स्क्रीन पर। और स्क्रीन पर उस स्लाइड का क्षेत्रफल कितना बना? स्क्रीन पर प्रतिबिंब का क्षेत्रफल कितना है? स्क्रीन माने प्रतिबिंब, स्क्रीन पर क्षेत्रफल कितना है? 1.55 मीटर स्क्वायर। देखो जे है सेंटीमीटर, जे मीटर, पहले इसे कन्वर्ट कर लो। 1.55 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 1.55 इंटू
10^4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकाले हम, इतनी बड़े क्षेत्र को हमने इतने बड़े में बदल लिया, स्लाइड से हमने पर्दे में बना लिया, तो क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का या क्षेत्रीय आवर्धन कहें हम इसे, क्षेत्रीय आवर्धन कितना होगा। आवर्धन के लिए हमने सीधा प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटे वस्तु का क्षेत्रफल, वास्तविक क्षेत्रफल या हमने स्क्रीन पर बनाया प्रतिबिंब, तो ऊपर किसका, स्क्रीन पर नहीं, यहां स्क्रीन पर, सॉरी स्क्रीन पर क्षेत्रफल बटे किससे बनाया, स्लाइड से, तो स्लाइड पर क्षेत्रफल। रखो इन मानों को, हल करूं, स्क्रीन का क्षेत्रफल कितना है 1.55 इंटू 10^4 और इसका क्षेत्रफल कितना है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएंगे। इसको अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो आएगा 8.8587.14। क्या आ गया, ये क्षेत्रीय आवरण क्षेत्रफल का हो। ज्ञात क्या करना, पर्दा व्यवस्था का रेखीय आवर्धन, कौन सा आवर्धन निकालना है हमें, रेखीय आवर्धन, रेखीय क्षेत्रफल चूंकि दो विमीय होता है और रेखीय एक, तो रेखीय आवर्धन बराबर अंडर रूट कौन सा आवर्धन, क्षेत्रीय आवर्धन। आयतन होता तो हम घनमूल लेते, लेकिन यहां क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रीय, चलो क्षेत्रीय जी कितना आया, इसको रख देते हैं 8857.14। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने पर ये आएगा 94.5। तो रेखीय आवर्धन कितना हो जाएगा 94.1 होगा जी रेखीय आवर्धन। क्वेश्चन 2.10 अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान रखेंगे, किसी भी सवाल को करने के लिए उसके कॉन्सेप्ट जरूर देखें, पीछे सभी वीडियो आपके पास प्लेलिस्ट से क्रम से प्राप्त होते जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या लिखिए, किसकी संख्या लिखनी है हमें, सार्थक अंकों की संख्या, सार्थक अंक जो मापन में सहयोग कर रहे हैं, जैसे पहले वाले में भाग करें। सार्थक अंक के नियम भी हमने पढ़े थे, उसमें पढ़ा था कि बाईं ओर के जो जीरो होते हैं दशमलव के पूर्व संख्या के पहले के, उनको सार्थक अंक में कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसमें सार्थक अंक कितना है, पहले का आंसर, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, क्या होगा पहले का, पहले में सार्थक अंक कितने आएंगे, एक, क्यों एक ही अंक आ रहा है, यही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सब में देख रहा है वो मात्रक दिखाई दे रहे हैं तो पूरे अंक प्रयोग किए जाएंगे, लेकिन अगर इस तरफ के जीरो होते तो वो गिने जाते, लेकिन इस तरफ मीन्स संख्या के पहले के जितने भी शून्य होते उन्हें हम सार्थक अंकों की श्रेणी में नहीं गिनते हैं। चलिए इसमें आइए, सार्थक अंक 1, 2, 3 घातों का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ए पार्ट का आंसर हो गया, बी पार्ट का आंसर क्या हो गया, सार्थक अंक हो गया 3। ठीक है, अब इसमें आए तीसरे पार्ट में, दशमलव के पहले जितने भी शून्य, संख्या के पहले के शून्य सार्थक अंक नहीं, लेकिन बाद के शून्य मापन में सार्थक अंक की श्रेणी में माने जाते हैं। तो यहाँ सार्थक अंक 1, 2, 3, 4, तो सी में सार्थक अंक कितना होगा, 4। ऐसे ही इसमें 1, 2, 3, 4 बाद के जीरो गिने जाते हैं, तो डी में सार्थक अंक कितने हो गए, 4। ई सेम बिल्कुल वही स्थिति है, सार्थक अंक 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसमें आओ ई एफ, अशून्य संख्या के पहले के जितने भी शून्य जे वाले सार्थक अंक नहीं होंगे, तो बचे यह 1, 2, 3, 4, तो इसका भी सार्थक अंक कितना होगा, 4 होंगे, यही इसका क्या होंगे, आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर 2.11, धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई, धातु की एक आयताकार क्या है, शीट है, इसकी लंबाई दी, लंबाई को हम लेंथ एल बोल देते हैं, कितनी दी 4.234, इसमें आगे चलो चौड़ाई, दूसरी क्या दी, चौड़ाई, चौड़ाई को हम बी कह देते हैं,
क्या दिया, 1.005, ये मीटर में था, यह भी मीटर में। तथा मोटाई थिकनेस टी, ठीक है, लेंथ ब्रिथ थिकनेस टी 2.01 सेंटीमीटर। इसे मीटर में बदल लें, 2.01 × 10⁻²⁻ मीटर। उचित सार्थक अंक, बर्डों को ध्यान में रखेंगे, उचित सार्थक अंक, सार्थक अंक लंबाई में कितने हैं, लंबाई में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, लंबाई में सार्थक अंक 4, ठीक है, चौड़ाई में 1, 2, 3, 4, बीच के जीरो गिने जाते हैं, इसमें भी सार्थक अंक कितने हैं, 4, मोटाई में सार्थक अंक 3, न्यूनतम है तो हमारा क्षेत्रफल और आयतन न्यूनतम कितने अंकों में आएगा, 3 सार्थक अंकों में आएगा, यानी हमें पूर्णांकन करना होगा किनका, जो क्षेत्रफल और आयतन आएगा उसका पूर्णांकन करेंगे, कब तक करेंगे, जब तक सार्थक अंक कितने ना आ जाए, 3। चलिए अब हल करते हैं, पहले क्या निकालना है, शीट का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल निकालना है, शीट का, शीट का क्षेत्रफल 2 L इंटू वी प्लस वी इंटू टी प्लस टी इंटू एल। अरे शीट घनाकार हो गई, 6 सतह हो जाएंगी, 3 2 इससे होंगी, 2 इसकी होंगी, 2 एक जैसी आगे पीछे की, 2 इधर की और 2 ऊपर की, इसलिए सबके वैल्यू रखें, 2 लंबाई की 4.234, चौड़ाई 1.005, चौड़ाई 1.005, मोटाई 2.01 × 10⁻², प्लस आगे रखो वैल्यू, नीचे को रख ले रहे वहाँ, टी की वैल्यू, टी की वैल्यू 2.01 × 10⁻², लंबाई 4.234, इन सबको सॉल्व कर लें, गुणाभाग आप जानते हैं, आप कर लेंगे गुणाभाग, हमने पहले से ही गुणाभाग करके रखा है, इसलिए हम डायरेक्ट मान रख रहे हैं, वो मान है 8.720 9478, क्योंकि समय कम है, कोर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन सब संख्याओं का इसका इसमें गुणा करेंगे, जो भी आएगा वो लिखेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, जो भी आएगा लिखेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, 2 का गुणा कर देंगे जोड़ के, आपका इतना, इतने मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या जिस सार्थक अंक की दृष्टि से सही है, आंसर गलत, सार्थक अंक न्यूनतम सार्थक अंक 3 है, तो उत्तर सार्थक अंक की दृष्टि से कितने अंकों में होना चाहिए, 3, चूंकि न्यूनतम सार्थक अंक मोटाई में 3 है, अतः क्षेत्रफल का 3 सार्थक अंकों तक पूर्णांकन करना होगा, करें, पूर्णांकन करते हैं तो पूर्णांकन करते हैं तो क्षेत्रफल आएगा 8.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या होगा, आंसर होगा, किसकी दृष्टि से, सार्थक अंक की दृष्टि से, क्या किया, हटाया 1 बड़ा, 5 से बड़ा 1 बड़ा, 5 आया विषम आया तो 1 बढ़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, 10 होंगे ना 1, 1 हटाओगे कुछ नहीं बढ़ेगा, तो 8.72। अब क्या निकालना है अपन को, आयतन, सेकेंड पार्ट में क्या निकालना, आयतन, आयतन कैसे निकलेगा, आयतन बराबर वी, वी बराबर एल इंटू वी इंटू एच। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, गुणा भाग हमने कैलकुलेटर से किए, यहाँ पर लिख दिया मान डायरेक्ट, आप उसे आराम से सॉल्व करेंगे और मान रखें, पेपर में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, इसलिए इन्हें आप स्वयं सॉल्व करके देखें और इन चीज़ों को जांचें, ठीक, चलते हैं। लंबाई कितनी है, 4.234, चौड़ाई कितनी है, 1.005, ऊंचाई
2.01 × 10⁻²। बात समझे, क्लियर है ना। इन सब की वैल्यू हमने क्या की, यहाँ पे रख दी, लंबाई चौड़ाई और मोटाई, इन सब का हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, वो आता है 8.55 × 10⁻²। इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उत्तर कितने सार्थक अंक में देना है हमें, केवल 3 में, क्योंकि न्यूनतम सार्थक अंक मोटाई में 3 है, अतः आयतन भी 3 सार्थक अंकों तक होगा, तभी तक इसको पूर्णांकन करना होगा। तो सार्थक अंक की दृष्टि से उत्तर 3 सार्थक अंकों में होगा। अतः पूर्णांकन करने पर, राउंड ऑफ करने पर, करें राउंड ऑफ, v बराबर, इसे हटाएंगे, 1 बढ़ेगा 9 हो जाएगा, जे भी हटेगा 9 तो यहाँ 1 बढ़ेगा, 3 हो जाएगा, अब कुछ नहीं बढ़ेगा, तो कितना आएगा 8.55 × 10⁻²। यही आंसर होगा, ठीक है ना, क्लियर है। हमने बताया था जब भी हम गुणा करते हैं तो न्यूनतम सार्थक अंक जिसमें होते हैं उसी में अपना उत्तर देते हैं, या न्यूनतम सार्थक अंक मोटाई में है 3, लंबाई चौड़ाई में 4 है, तो हमारा उत्तर 3 में ही आएगा। तो हम किसी संख्या को जब तक पूर्णांकन करेंगे जब तक वह कितने सार्थक अंक में ना आ जाए, 3, इसमें देखो 1, 2, 3, यानी उत्तर यह सही है, ठीक है। 2.1 के बाद का भाग अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।